Hello guys. Hi everyone. कैसे हो आप लोग? ओके न्यू स्टूडेंट शेख बतुल हाय वेलकम टू द क्लास. हाय अजय. हाय जयवीर मुस्कान. हाय सलोनी निकिता. नीट एसएससी बोर्ड के लिए कौन सा बुक? नीट के लिए बताया तो है, एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है फिजिक्स में नीट के लिए. हाय प्रियम. जेकेपी हेलो. जीकेपी ओके. रानी रानी. प्रिया शर्मा. आशीष कुमार. हाय एवरीवन. अभिषेक. राहुल. रीजनिंग ओके. रीजनिंग चाहिए ठीक है. चल रहा है महक. एक बार बैक करके गाइस दोबारा से वॉच लाइव करोगे तो चल रहा है अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो. स्टार्ट हो चुका है. वी आर ऑलरेडी लाइव. तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग. और मैं बढ़िया हूँ प्रिया. हाउ आर यू? और आप लोगों को जैसा मैंने बताया था गाइस कि इंस्टा जो जेई वाला चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. उसमें कंटेंट अपलोड होता रहेगा तो पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी ठीक है. हेलो सुधा. प्लीज से इन इंग्लिश ओके. बट वी हैव हिंदी ऑडियंस ऑल्सो. सो आईआईटी के लिए कौन सी बुक? आईआईटी के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप प्रॉब्लम ही करो. सिंपल बेसिक जो प्रॉब्लम्स की बुक आती हैं, जैसे सिंगेज की आती है 7000 प्रॉब्लम्स करके आती है, वो ट्राई कर सकते हो. सोनू यादव तो मस्त हैं एकदम. द नेम ऑफ द चैनल अभी इसमें मैं शो कर देता हूँ. तो आज का टॉपिक तो फ्लूइड मैकेनिक्स है. इरोडोव बिल्कुल भी आईआईटी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इरोडोव जनरली उसके लिए होती है गाइस. एमएससी बीएससी आप कर रहे हो तो इरोडोव की ज़रूरत है, बट अभी आपको इरोडोव की ज़रूरत नहीं है ठीक है. तो ये चैनल है देखो t.me/instajee कैपिटल में है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. आंचल मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ठीक. नीट के लिए फिजिक्स अच्छे से हो जाए? बिल्कुल बढ़िया से होगा, बहुत ही अच्छे से होगा ठीक है. तो बस फॉलो करते रहो और क्लास अटेंड करते रहो रेगुलरली ठीक है. तो माय प्री बोर्ड ऑफ फिजिक्स ऑन 31st Jan. अच्छा तो प्री बोर्ड है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से हो जाएगा. डीसी पांडे सफिशियंट है? हाँ सफिशियंट है. एससी वर्मा भी सफिशियंट है, लेकिन एससी वर्मा में क्या है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सब्जेक्टिव अप्रोच ज़्यादा है उनमें. तो आप ट्राई करो कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करने का ठीक है. क्योंकि मोस्टली आपके जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, चाहे जेई एडवांस में मिले, मेंस में मिले, नीट में मिले, सब जगह ऑब्जेक्टिव की मेजॉरिटी ज़्यादा है ठीक है गाइस. हाउ प्रिपरेशन करोगे तो क्यों नहीं आएंगे? आई एम न्यू स्टूडेंट सर, कैसे होगा पढ़ाई? न्यू स्टूडेंट तो आप किस चीज़ के लिए न्यू स्टूडेंट हो? यहाँ पे अगर न्यू स्टूडेंट हो तो पढ़ाई चल रहा है ऑलरेडी, क्लासेस कवर्ड हैं तो आप उनको जाके देख सकते हो ठीक. तो अभी भी रेगुलर क्लास जो चलती रहती है उसको फॉलो करते रहो राइट. आई एम फ्रॉम HBSE बोर्ड. उससे देखो सिलेबस तो सेम है ना. अब न्यूटन्स लॉ अगर कहीं आ रहा है तो न्यूटन्स लॉ सब जगह सेम ही आएगा. या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी भी बोर्ड में पढ़ाई करो तो कूलम्स लॉ तो फॉलो होगा ना सब जगह सेम. तो उसकी टेंशन मत लो कि आप कौन से बोर्ड में हो या कौन से नहीं हो ठीक. चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं आज फ्लूइड मैकेनिक्स. तो गाइस पहले तो ये बताओ कि फ्लूइड कैसा सब्सटेंस होता है, फ्लूइड क्या होता है, आप क्या समझते हो फ्लूइड से? सर फॉर ऑब्जेक्टिव आई एम अबाउट टू स्टार्ट. वेरी गुड. अबाउट यू शुड हैव स्टार्टेड बिफोर राइट. ऑब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पहले ही शुरू कर देने चाहिए थे, लेकिन अभी भी आप कर सकते हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दो उनको ठीक है. डिले नहीं हुआ है, आप कर सकते हो बिल्कुल. टाइम टेबल अभिजीत क्लासरूम वाले टैब में आप जाओगे तो उसमें आपको जो भी क्लासेस की अपडेट होती है वहाँ पे मिल जाएंगी सारी, उसकी टेंशन मत लो राइट. चलो अब शुरू करते हैं, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं ठीक है आज. तो फ्लूइड को थोड़ा रिवाइज करते हैं गाइस, क्योंकि आपका पेपर भी आ रहा है अब जेई मेंस अप्रैल में, तो उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाओ राइट. ओके जीके भी सेइंग विस्कस सब्सटेंस. अच्छा और क्या कह सकते हैं फ्लूइड को? देखो फ्लूइड क्या होता है? थिंग्स विच कैन फ्लो राइट. तो फ्लो जो भी हो सकता है वो फ्लूइड है.
अब फ्लो होने की बात है तो किस कैसे फ्लो होगा? जब आप कुछ फोर्स लगाओगे राइट, तो जनरली फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो शीयर स्ट्रेसेस को सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है गाइस। तो फ्लूइड्स जो होते हैं वो शीयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और इजीली फ्लो हो जाते हैं, तो उसको हम फ्लूइड्स डिफाइन करते हैं। हाँ, एनीथिंग दैट कैन फ्लो मेरीन, सही है। तो गैसेज और लिक्विड बोथ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड, राइट अभिषेक? कैपलर्स लॉ ग्रेविटेशन में ऑलरेडी कवर हो चुका है, आप ग्रेविटेशन जाके देख लो, ठीक है। ओके रुद्राक्ष, काफी दिन बाद आए हो आप, राइट? सो सर, ये चैप्टर कंप्लीट कब होगा? ये चैप्टर बेटा, इसके जो है पूरी सीरीज अपलोड होगी, तो सारे लेक्चर्स आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, और जितना भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट और जेई मेंस के लिए जो हम जल्दी करा सकते हैं वही पार्ट इसमें लेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड्स विच कैन फ्लो इजिली, तो क्या है फ्लूइड के टाइप हमारे, लिक्विड और गैस, बहुत सिंपल। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स वर्सेस हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक है वो वाला फ्लूइड की स्टडी जो जब फ्लूइड किस पे है, रेस्ट पे, राइट। तो फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसमें जब हम डेप्थ के अक्रॉस मूव करेंगे तो प्रेशर में वेरिएशन होता है, तो आप ये खुद अपनी बॉडी पे फील भी कर सकते हो जब आप डाइव करोगे ओशन में या कहीं पे। सो जब आप नीचे उसमें डाइव करोगे, जाते जाओगे तो आपको प्रेशर फील होगा बॉडी पे। तो जब डेप्थ के साथ जाते हैं फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में, स्टेशनरी फ्लूइड में, तो प्रेशर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। और सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, वो पास्कल्स लॉ होता है। हाँ, नो मोशन मेरीन। सो हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लास, फनी वीडियो। तो फ्लूइड बेटा, अभी मैंने बताया है जैसा क्या होता है, आप जो पूछ रहे हो व्हाट डू यू मीन एग्जैक्ट माइनिंग ऑफ फ्लूइड्स। एक्चुअली देखो, फ्लूइड क्या है, सिंपल, द थिंग्स विच कैन फ्लो इजिली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शीयर स्ट्रेस, राइट। तो शीयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए फ्लूइड क्या हो जाता है, आसानी से फ्लो हो जाता है। जब आप फ्लूइड कहीं डालते भी हो ना सरफेस पे, तो सरफेस पे भी क्या होता है, वो फ्लूइड अब जैसे आपने डाला तो वो शेप में नहीं रहता, वो क्या होता है, सिंपली इट विल फ्लो। व्हाई इट विल फ्लो, क्योंकि फ्लूइड की लेयर्स बाय लेयर बनी हुई है वहाँ पे, राइट। तो वो जो वेट लग रहा है वो उस वेट को भी नहीं सहन कर पा रहा है, अपने सेल्फ वेट को, और वो क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, ठीक, राइट। तो शेख बडूल, यू आर न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लास, आप लास्ट क्लास में भी आए थे शायद मेरी। तो और हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे और फ्लूइड्स की स्टडीज करेंगे, जब फ्लूइड किस में होगा, मोशन में। अब सेम अगर कंटेनर में फ्लूइड है, जब स्टैटिक में था तो उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में मूव कर रहे थे तो प्रेशर हमारा बढ़ रहा था, राइट। लेकिन उसी कंटेनर को अगर मैं मूव करा दूंगा, मूव कराने का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं है, मूव कराया हमने एक एक्सेलरेशन से, तो डेफिनेटली उसकी जो शेप है वो चेंज होने वाली है, और जब शेप चेंज हो जाएगी तो उसमें प्रेशर डिफरेंस आएगा, राइट। तो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू दी एक्सेलरेशन आएगा उसमें, और डेप्थ की वजह से आएगा, तो उसमें एक रिलेशन होता है, वो भी हम करेंगे फॉलो, उस रिलेशन को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, फ्लूइड इन मोशन इज हाइड्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज हाइड्रोडायनेमिक्स। हाय उषा, अंकिता यादव, अच्छा आप भी न्यू स्टूडेंट हो, वेलकम टू दी क्लास, काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट आए हैं आज। नेक्स्ट क्लास कब है, आप उसमें जाओगे तो आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, ठीक है। हाय विभोर सर, फर्स्ट टाइम कोई नाम ले रहा है इस पे, हाय। वेयर इज दी वीडियो, वीडियो कौन सी संदीप? हाँ, हाइड्रोस्टैटिक्स होता है जब फ्लूइड क्या होता है, रेस्ट पे, उसमें जब हम स्टडी करते हैं, प्रेशर देखते हैं कितना लग रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हम प्रेशर अप्लाई भी कर रहे हैं तो वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है पूरे फ्लूइड में, राइट। आई एम अदनान, हाय अदनान। तो अब देखते हैं फटाफट आगे, हाइड्रोडायनेमिक्स हो गया, ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स दैट स्टडीज फ्लूइड इन मोशन, राइट। तो ये तो बेसिक था, केवल डेफिनेशन था कि हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक। तो प्रेशर अब फ्लूइड में डिफाइन किया है हमने यहाँ पे, तो आई एम लोकेश शर्मा, हाय एवरीवन, आई एम प्रीति, प्रीति और प्रीति, हाय चंदन, प्रेम कुमार, हाय।
अविनाश इज ऑल्सो अ न्यू स्टूडेंट. हाइड्रोस्टेटिक मीन्स अभी बताया, हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू वाटर राइट. तो हाइड्रोस्टेटिक का मीनिंग क्या है कि वाटर रुका हुआ है. अब हम उसमें जो भी स्टडी करेंगे दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोस्टेटिक्स राइट. हाय शुभम, आपकी फर्स्ट क्लास है आज. जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आप जाके देख सकते हो राइट. प्रिया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है आज, फर्स्ट लेक्चर है. तो आप अगर 11th क्लास में नहीं हो तो हो सकता है आपको दिक्कत होगी थोड़ी. हाँ, हाइड्रो मीन्स वाटर राइट. ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो फ्लूइड में प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं. जनरली फ्लूइड में प्रेशर एट अ पॉइंट डिफाइन किया जाता है राइट. क्यों डिफाइन किया जाता है प्रेशर एट अ पॉइंट, क्योंकि आप स्टैटिक फ्लूइड है और एक पॉइंट कंसिडर करो तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो स्टेशनरी है वहाँ पे राइट. अब वहाँ पे कोई सा भी एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो आप, उसे हॉरिजॉन्टल एरिया भी कंसिडर कर सकते हो, उसी पॉइंट पे वर्टिकल एरिया भी बना सकते हो आप, कैसा भी एरिया बना सकते हो. और आप देखोगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया उस पर क्या होगा, सब तरफ से फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया भी क्या होगा, बैलेंस होगा. तो वहाँ पे हम प्रेशर इसीलिए डिफाइन करते हैं, प्रेशर एट अ पॉइंट. और जो प्रेशर डिफाइन किया जाता है वहाँ पे वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लूइड में ठीक है. लेकिन जब हमने स्ट्रेस पढ़ा था तो वहाँ पे स्ट्रेसेस कैसी थी, टेंसर थी, थ्री डायमेंशनल थी. लेकिन यहाँ पे फ्लूइड में प्रेशर कैसा है, स्केलर है ठीक. तो इसीलिए स्केलर है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो यहाँ पे तो एक जनरल डेफिनेशन है प्रेशर की कि फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया. लेकिन फ्लूइड्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर एट अ पॉइंट राइट. तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, प्रेशर पे बेस्ड है. ये मुझे पता है कि आप लोग देखते ही सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है ठीक. और यहाँ से बच्चों कुछ स्क्रीन पे मिस नहीं हो रहा है, ये ऑन दी यहीं तक है ठीक है. सर मेरा डाउट, कौन सा डाउट है श्वेता पद्मा, कौन सा डाउट है आपका, किस क्लास का है, 11th क्लास का है ये. हाय अजीत, मुझे बीएससी के नोट्स फिजिक्स के चाहिए, बीएससी के नोट्स चाहिए फिजिक्स के. देखो ये आप ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, ये टेबल टॉप पे रखा गया है और इसका मास है 5 kg, डायमेंशन दे रखी है इसकी LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट ओके. तो इस ब्लॉक को अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा गया है, तो प्रेशर निकालना है सिंपल. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, आप कैलकुलेट कर लेंगे. फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 50 newtons डिवाइडेड बाई द एरिया इन द टू केसेस ठीक है प्रियम. तो ये तो कर लोगे सब लोग, आसान सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्लास में आपके लिए थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं. तो ये देखो फ्लूइड की एप्लीकेशन देखो अब यहाँ पे. अल्बर्ट आइंस्टाइन, व्हाट इज टाइम, ओ वाओ, टाइम रिलेटिव है अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप ही ने तो बताया था. डायमेंशन भूल गए, कोई बात नहीं, डैनियल ने सॉल्व कर दिया. सुभाष कुमार, सर मुझे मैथ का सवाल चाहिए, मैथ का सवाल चाहिए, मैं मैथ का सवाल कहाँ से दूँ, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ. मैथ का सवाल चाहिए तो आपको तो मैथ्स की तो क्लास हो गई. चलो अब एप्लीकेशन देखो यहाँ पे. ये देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर पता लगाने की मशीन है, डॉक्टर्स के पास होती है. तो ये फ्लूइड की एप्लीकेशन है राइट. अब प्रेशर क्यों निकाल रहे, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है वेंस में, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो होता है पाइप में ठीक. तो यहाँ पे अब जो वेन्स है वो पाइप की तरह काम करती है, और ये जो यहाँ पे ट्यूब है इसमें मरकरी फिल्ड होता है, तो ये प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर है राइट. और ये वाला देखो आप,
एयर भर रहे हैं हम, राइट। अब इस एयर को कैलकुलेट करने के लिए भी वहाँ पे एक मीटर होता है, तो वो इस एयर प्रेशर को बताता है कि कितना है। तो ये सब फ्लूइड की ही एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हैं और भी, आप देखोगे जेसीबी और हाइड्रा, इतनी सारी एप्लीकेशन सब फ्लूइड पे ही बेस्ड है। तो अब जो ब्रेकिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, तो वो भी क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स की ही एप्लीकेशन है, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्लूइड पहले तो। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखो, ये टाइप्स ऑफ प्रेशर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। इसमें देखो ये जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। मैथ का सवाल यार, क्लास आप क्लासरूम टैब पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी कि कौन सी क्लास हुई है और कौन सी क्लास होगी, राइट। तो अभी मैथ्स की क्लास हो चुकी है, आप क्लासरूम टैब पे जाएंगे तो आपको नीचे मैथ्स की क्लास जो हुई है उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप डायरेक्टली वहीं से प्ले कर सकते हो ऐप में ही, ठीक है। सर मुझे ट्वेल्थ की फिज़िक्स भी होगी बच्चों, क्योंकि आपका पता है मुझे अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्लास लगेंगी आपकी। तो जो ट्वेल्थ की फिज़िक्स होगी वो भी कवर की जाएगी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स वगैरह, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ट्वेल्थ का सिलेबस तो हम बोर्ड से पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो थोड़ा बचेगा फिर वो बोर्ड के बाद प्रैक्टिस करेंगे, राइट। क्योंकि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है। सिविल वॉज माई ब्रांच। सो टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं फटाफट। एयर प्रेशर, अब देखो ये तो मतलब बेसिक सी बात है कि एयर प्रेशर घटता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, राइट। अब इसको समझते हैं कि एयर निकाला कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉरिसेली ने हमको बताया था, गर्म एयर को ठंडा कैसे करें, अलग डाउट है अल्बर्ट आइंस्टाइन के, बिल्कुल। सर अभिजीत सर कहाँ हैं, अभिजीत सर कहाँ हैं, कौन से अभिजीत सर, आई एम नीड स्टूडेंट सर इन जनवरी मेंस, आई हैव गॉट 80%। हाँ देखो 97% से तो ऊपर लानी पड़ेगी अप्रैल जेई मेंस में, और 80% आई है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी डैनियल, कम नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 97 लाने के लिए। सर सेमी कंडक्टर की क्लास कब लगेगी, उसकी भी लगेगी, मैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया है, वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट हो गया है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाया था, राइट। अब चलो स्टार्ट करो, यहाँ पे देखो फटाफट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में किसने बताया था हमको, हमको बताया था टॉरिसेली ने, ठीक है। तो टॉरिसेली ने क्या एक्सप्लेन किया था, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था उसने। देखो साइंटिस्ट तो होशियार होते हैं, राइट। हम लोग तो नॉर्मल पीपल हैं जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन उनका पूरा लाइफ टाइम उसी में जाता है रिसर्च वर्क में। तो टॉरिसेली ने देखो अभी चूज़ किया मरकरी को, तो मरकरी को चूज़ करने का भी एक रीज़न है उसके पीछे, राइट। वाटर को भी चूज़ कर सकता था वो, कि वाटर कॉलम की हाइट देख लेंगे, जब जहाँ तक रुकेगा एटमॉस्फेयर रोक पाएगा उसको कर लेंगे मेजर। तो वाटर की हाइट जो रिक्वायरमेंट है 1 ATM के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 10.33 meters होती है। तो 10.3 meters आप जान रहे हो, वो 3 मंजिल की होगी, 3 floors की हाइट। तो इसीलिए उसने क्या किसको यूज़ किया था, मरकरी को, क्योंकि मरकरी कैसा सब्सटेंस है, हैवी है, राइट। तो मरकरी को इसीलिए उसने यूज़ किया था। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था, बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है वो मशीन जो उसने बनाई थी। तो उससे क्या किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा था, उसको जस्ट रिवर्स करके एक कंटेनर में रखा, मरकरी फिल्ड कंटेनर में, और वो कैसा था, जो ट्यूब था उसमें भी मरकरी फिल्ड था, तो उसको रिवर्स करके रखा। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जब मरकरी का प्रेशर रो जी एच किसके इक्वल होने लगा, इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहाँ से उसका प्रेशर कैलकुलेट किया मरकरी का, रीडिंग कैलकुलेट की हाइट की, तब पता लगा कि 1 ATM का प्रेशर किसके बराबर होता है, ठीक है। हाय सचिन, हाय इंस्टासॉल्व यूज़र, शुभम फिजिक्स की क्लास 12th की होगी, इसमें आप क्लासरूम वाले टैब पे जाओगे तो आपको सारा मिल जाएगा, राइट।
एनआईटी मिल जाएगी क्या? एनआईटी कैसे मिल जाएगी? कितनी परसेंट आई है सलोनी? 87.8? नहीं, बिल्कुल नहीं, 87.8 पे कैसे एनआईटी मिल जाएगा आपको? 97 मिनिमम लाने आपको, 97 परसेंटाइल से ऊपर है तभी आप सोच सकते हो कि एनआईटी मिलेगा। देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसी की बात चल रही थी, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो सिंपल है कि एक लेवल है, इस लेवल पे प्रेशर P1 है, एक लेवल है, इस लेवल पे प्रेशर कितना है P2। इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होगा? रो जी एच। अब उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर में डिफरेंस क्या है, राइट? तो एटमॉस्फेरिक, हाँ, 76 mm ऑफ HG की हाइट मिली थी मेरी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब मुझे पहले ये बताओ, किसी को पता है ये कि वैक्यूम प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? 11th क्लास का चैप्टर है, सर आज भी सोचता हूँ कि न्यूटन के सर पर एप्पल क्यों गिरा, क्योंकि हम सब की किस्मत ख़राब होनी थी इसलिए। नहीं, गुरप्रीत को नहीं पता है, किसी को पता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गेज प्रेशर किसको कहते हैं? ये बहुत बड़ा डाउट है एक्चुअली। क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपके लिए आ तो जाता है सामने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट प्रेशर इतना है या गेज प्रेशर इतना है या वैक्यूम प्रेशर इतना है, लेकिन बच्चों को मीनिंग ही नहीं पता होता है, राइट? तो अब इस, चलो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होता है। देखो गाइज, पहले तो ये वाली बात तो पता लग गई, ये तो सबको पता ही होगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि अगर एच हाइट है यहाँ पे और इस लेवल पे मुझे प्रेशर निकालना है और ये स्टेशनरी फ्लूइड है, तो प्रेशर सिंपली रो जी एच प्लस पी नॉट होगा। पी नॉट क्या है? ये जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो ये तो आई होप कि सबको क्लियर होगा, फटाफट रिप्लाई करते जाओ, ये क्लियर है ना सबको, ठीक, कि इस लेवल पे प्रेशर कितना होगा? ये वाला जो लेवल मार्क किया मैंने, इस लेवल पे प्रेशर होगा सिंपल रो जी एच ड्यू टू दी फ्लूइड, राइट, प्लस पी नॉट जो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे समझें कि गेज प्रेशर क्या है और वैक्यूम प्रेशर क्या है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। तो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो जीरो प्रेशर से ऊपर वाले को नापा जाता है, राइट। अगर ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, मैंने ये जीरो प्रेशर की लाइन बनाई है, ठीक है। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, अभी तो बता रहा हूँ, अभी स्टार्ट ही किया है अविनाश। ये सिंपल है कि इस लेवल पे रो जी एच जो होगा वो पानी की वजह से होगा, ड्यू टू दी हाइट ऑफ वाटर, एच हाइट ऑफ वाटर, राइट, प्लस पी नॉट दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अच्छा बता दो सर क्यों होगा ये? यार इसमें तो फिर टाइम लग जाएगा, इसमें तो यार सिंपल है ना, ये सिलेंडर बनाओ यहाँ पे और फोर्सेस को इक्वेट करो, ठीक है। ये एच हाइट, यहाँ इसकी FVD बनाओ, MG लगेगा सिलेंडर का। अब ये सिलेंडर रेस्ट पे होगा, ये इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ यहाँ पे और इसकी FVD बनाओ, नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स F1 और F2, ठीक। फिर अब ये स्टेशनरी है तो इन फोर्सेस को इक्वेट करो, डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू दी अपवर्ड फोर्सेस, और उसके बाद आपका एक रिलेशन निकल के आएगा कि रो जी एच इक्वल्स टू P2। ये अगर सेकेंड पॉइंट है इस लेवल पे और इस लेवल पे ये 1 पॉइंट है, तो P2 माइनस P1, ठीक है। हाँ, खुशी इज सेइंग गेज प्रेशर इज टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज योर गेज प्रेशर, राइट। मेरी क्लास होगी 10:30 तक, इसलिए कह रहा हूँ पहले ये समझ लो, ठीक है शुभम पाटिल। तो ये देखो हमारी ये जीरो प्रेशर वाली लाइन है। अब देखो जीरो प्रेशर का क्या मीनिंग है? जीरो प्रेशर का मीनिंग है कि
मान लो एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अभी, तो वो हम पे प्रेशर लगा रहे हैं, राइट। सिमिलरली लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। तो अभी चलो गैस की बात लेते हैं, गैस भी एक फ्लूइड है। तो अब गैस प्रेजेंट है अगर एक चैम्बर में और हम उसमें खड़े हैं, तो वो गैस हम पे क्या करेगी, आके मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे, राइट। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं और उसमें वापस जा रहे हैं, तो उनका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी वजह से फोर्स आएगा सरफेस पे। अब वो सरफेस मान लो ये है, तो मॉलिक्यूल्स गए टकराए फिर वापस आए, तो क्या हुआ, फोर्स आया, ठीक, मोमेंटम चेंज की वजह से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, क्लियर है। तो ये जो फोर्स आया है और पर यूनिट एरिया, जितने एरिया पे मॉलिक्यूल्स टकराए, वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर होगा, सिंपल। और यही लॉजिक है, यही रियलिटी है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मॉलिक्यूल सच में आते हैं ऐसे टकराते हैं, वही प्रेशर होता है जो हम पे होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, राइट। तो अब ये वाला आप इमेजिन करो कि मॉलिक्यूल्स अचानक से गायब हो जाएं। तो मॉलिक्यूल्स जब गायब हो गए तो कोई आके टकराएगा, कोई नहीं टकराएगा, राइट। और जब कोई टकराएगा नहीं तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा वॉल पे, तो कोई प्रेशर ही नहीं, तो मिनिमम प्रेशर की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो। तो ये वाली जो लाइन है वो जीरो प्रेशर लाइन है, इससे कम तो प्रेशर हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता प्रेशर, क्लियर है। अब जब यहां पे जीरो प्रेशर की लाइन मिल गई, तो ये जो प्रेशर मिला है हमको कि रो जी एच प्लस पी नॉट, ये टोटल प्रेशर है इस वाले लेवल पे, ठीक है। मैं लेवल पे स्टार बना देता हूं, ये वाला जो लेवल लाइन है ये क्या है, टोटल प्रेशर है यहां पे, क्लियर है। तो इस वाले लेवल पे टोटल प्रेशर कितना है, रो जी एच प्लस पी नॉट। तो अगर ये रो जी एच प्लस पी नॉट की लाइन कहीं यहां पे आ गई, मान लो ये देखो रो जी एच प्लस पी नॉट, ठीक, तो ये टोटल प्रेशर बताएगा नहीं बताएगा। अगर मैं लेवल एल मान लू, तो एल लेवल पे ये पी एल, ये टोटल प्रेशर है या नहीं है, पी एल, बिल्कुल है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन बनाता हूँ तो ऑब्वियसली इससे नीचे ही होगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा है ना उससे, कितना ज़्यादा है, रो जी एच ज़्यादा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच ज़्यादा है, और ये पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन। देखते जाओ, सुनते जाओ ध्यान से, मेरीन नो ज़ीरो, क्या ज़ीरो, समझ आ रही ना बात। ये पी एल वाला टोटल प्रेशर है, पी नॉट वाली लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट कर रही है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, ये होता है गेज प्रेशर, ठीक है। ये क्या होता है, गेज प्रेशर होता है ये। तो जो टोटल प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू दी गेज प्रेशर, ऐसा ऊपर किसी का कमेंट आया था, ठीक है, कि टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसने कमेंट किया था याद नहीं है मुझको। सर व्हाट इज पीएल, पीएल इज द टोटल प्रेशर एट दिस पॉइंट, एट दिस लेवल, ये जो एल लेवल दिख रहा है कंटेनर का, इस पे टोटल प्रेशर है, ठीक है। तो अब टोटल प्रेशर इज, ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर है पीएल, पीएल एब्सोल्यूट प्रेशर है कि जीरो से कितना ऊपर है, इतना टोटल ऊपर है, रो जी एच प्लस पी नॉट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू दी गेज प्रेशर, राइट। अब क्या है, वैक्यूम प्रेशर किसको कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे अगर कोई लाइन आ गई, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है कि मान लो एक कंटेनर था, अभी ये कंटेनर मैंने ओपन कर रखा है एक एंड से, इस एंड से कंटेनर ओपन है, तो यहाँ एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूल घुस सकते हैं और प्रेशर लगा सकते हैं सब तरफ, क्लियर है ये वाली बात। अब अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूं और इसके मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम से निकालना शुरू कर दूं एक पॉइंट से, ठीक है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स कम होने लगे, कम होने लगे तो ये जो प्रेशर लगाएंगे वॉल्स पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये कोई पी क्यू प्रेशर है, यहाँ पे पी क्यू, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब ये पी क्यू आ गया, तो ये टोटल प्रेशर है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, ये टोटल प्रेशर है इस कंटेनर के अंदर, क्लियर है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, क्लियर है, ये वाला वैक्यूम प्रेशर है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर विच इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, खुशी ने किया था आंसर, वेरी गुड खुशी, बिल्कुल सही किया था खुशी ने।
तो ये परफेक्ट आंसर है कि टोटल प्रेशर, टोटल मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू द गेज प्रेशर, एंड अबाउट द वैक्यूम प्रेशर यू जस्ट माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू द वैक्यूम प्रेशर. अब ये पॉजिटिव वैक्यूम प्रेशर है, अगर गेज प्रेशर को निकालोगे तो नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा वो, ठीक है. वैक्यूम प्रेशर को निकालोगे तो ये नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है. तो अब इतना कंफ्यूज मत हो कि वैक्यूम गेज, बस इतना याद रखो कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, उसमें से एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक माइनस करोगे तो गेज आएगा, एटमॉस्फेरिक में से एब्सोल्यूट माइनस करोगे तो वैक्यूम प्रेशर आएगा, ठीक है. क्लियर हो गई बात? अब सबको समझ आ गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इसमें क्या रोल है. क्लियर है? चलो अब सबको क्लियर है. तो अगर यहाँ पे इस लेवल पे जो एल लेवल है यहाँ पे मैं बोलूँ कि मुझे गेज प्रेशर बताओ कितना है, तो गेज प्रेशर कितना होगा, इसमें से एटमॉस्फेयर वाले को निगलेक्ट कर दो तो कितना बचा केवल रो जी एच बचा. तो यहाँ पे जो गेज प्रेशर है वो कितना होगा, रो जी एच. समझ आ गई बात? हाँ, खुशी इज अ गुड स्टूडेंट, रुद्राक्ष को बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड. ट्वेल्थ की फिजिक्स की क्लास कितनी टाइम से है भैया? ट्वेल्थ की फिजिक्स की क्लास लगेगी, बिल्कुल लगेगी. अभी इसके बाद शायद ट्वेल्थ का ही आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है. हेलो अखिलेश, मेरीन क्लियर है, रोजी एच जो हमारा होगा वो गेज प्रेशर होगा. तो अब मैं इसको रब कर सकता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ये पीपीटी में नहीं है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको कम से कम पता तो रहेगा किसको कहते हैं गेज प्रेशर, किसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर. तो ये पी क्यू है, लेस देन पी नॉट. चलो अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक ठीक है भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं. चलो तो अब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो आपको पता ही है, सिंपल. अब पूरा वहीं पे क्लियर हो गया. सर क्या एब्सोल्यूट प्रेशर मिनिमम प्रेशर होता है क्या? नो नो नो, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला कि एब्सोल्यूट प्रेशर मिनिमम प्रेशर होता है. एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल प्रेशर होता है, किसी भी आप पॉइंट पे या लेवल पे कहीं भी प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हो तो वो आपका टोटल प्रेशर है वहाँ पे, एब्सोल्यूट प्रेशर है कि जीरो से कितना प्रेशर ऊपर है टोटल, ठीक. मिनिमम नहीं होता है वो कभी भी. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्लियर है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, करो ट्राई इसको. इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन वॉट इज द डेप्थ ऑफ द लेक. करो फटाफट करो, सॉल्व करो इसको. नहीं 10:30 के बाद नहीं है, जब ये फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी, 4 या 5 लेक्चर होंगे इसमें टोटल, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है. 12th का ही स्टार्ट होगा उसके बाद. सॉल्व करो इसको फटाफट से. ऐसे ऐसे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो कभी होते नहीं है बच्चों के क्लियर. अब गेज प्रेशर वैक्यूम प्रेशर कुछ पता नहीं होता है किसी को क्या होता है, बस सब लगे रहते हैं रटने में, लगे रहते हैं सब बच्चे.
हो गया बच्चों, हुआ किसी से? हाँ हाय मुस्कान, हाय 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 लिखते जा रहे हैं वो सब लोग। 20 मीटर आ गया शुभम का, अविनाश का 18 मीटर आ गया। सर क्या इंजीनियरिंग क्लास स्टार्ट करने वाले हो आप? मे बी, देखो फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। मैंने बोला है कि इंस्टासॉल्व काफ़ी सारे सरप्राइजेस लेके आएगा आपके लिए, तो यू जस्ट वेट वेट एंड वॉच। अभी जैसे डॉक्यूमेंट का आप लोगों ने फीडबैक दिया था, तो डॉक्यूमेंट आपको स्टार्ट हो गए मिलना, ठीक है? तो क्लियर है ये वाला, आ गया आंसर। 3 मीटर भी आ रहा है। मेरा नाम बोलो, किसका नाम बोलो भाई? अजितेश, अजितेश का नाम बोलो। सर टेल्स इन कनाडा, अरे कनाडा नहीं आती भाई, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे कनाडा। कनाडा एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3, तो ये कुछ लेक मान लो यहाँ पे, और ये हाफ डेप्थ हो गई h/2 पे, और ये पूरी हो गई h पे, ठीक? क्लियर है? कैसे डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। जैनम आप बहुत लेट आए आज। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, बट आप लेट आए हो और लास्ट क्लास में भी नहीं थे आप, तो आ जाया करो, ठीक है? तो चलो इसको करते हैं। हाँ देखो 20 मीटर आ रहा है, काफ़ी लोगों का आंसर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी हाफ बोल दो इसको, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पी बॉटम, ठीक है? तो ये आसान सा सवाल है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। रो जी h/2 इक्वल्स टू 2/3 ऑफ रो जी, और इसमें क्या करेंगे, 2P0/RG। हाँ बस ख़त्म, आसान सा है ये, ठीक है? कठिन नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे जो प्रेशर है वो 2/3 है। सर रिडॉक्स कब होगा? ये कैम इसका बन जाएगा बेटा शेड्यूल, ठीक है? तो बस क्लासरूम वाले टैब पे जो मिल रहा है वो उसमें सब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो 2P0/ρg, ठीक? चलो ये वाला, अब ये देखो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ है, और बड़ा ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया है ये, इसको सॉल्व करके दिखाओ। है ना? वुडन अ वुडन ब्लॉक, बायो की क्लास कब चलेगी? चलेगी, बायो की क्लास चलती है। अ वुडन ब्लॉक विद अ कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप फ्लोट्स इन वाटर एज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस लैम्डा एंड एच आर शोन इन फिगर। आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल्स इन टू दी वाटर। वॉट हैपन्स टू लैम्डा एंड एच? और ये लैम्डा जो है वो हाइट है इसकी, ठीक है? वुडन ब्लॉक कितना डूबा हुआ है, और एच जो है वो डेप्थ है पूरे इसकी, कि कितना उसमें पानी है, किस डेप्थ तक। करो इसको सॉल्व। ओके, मेरीन इज सेइंग लैम्डा डिक्रीजेस और एच एच विल इंक्रीज और डिक्रीज। संजय शर्मा इज सेइंग दोनों डिक्रीज करेगा।
H remains same. अच्छा, H को कुछ नहीं होगा, कोई और? अभी आ रही है आवाज गाइस? अभी आ रही है आवाज? हेलो, नो साउंड? अब तो आ रही है ना आवाज? आवाज बताओ. हाँ, आ गई. ठीक. H विल रिमेन सेम एंड लैम्डा विल डिक्रीज. जन्म आंसर नहीं आया आपका, क्या होगा? बाकी जनता भी कभी आया तो काफ़ी लोगों का है कि लैम्डा डिक्रीज, एच इंक्रीज, लैम्डा डिक्रीज. चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ. अभी तो साउंड आ रहा है ना? अभी साउंड आ रहा है ना अविनाश? एम आई ऑडिबल गाइज? हाँ ठीक, आ रहा है. यस, चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट. देखो अभी क्या हो रखा है, एक्चुअली ये बॉयंसी पे बेस्ड है. इसमें क्या है कि अभी कॉइन ऊपर फ्लोट कर रहा है, राइट. जनरली होता क्या है कि कॉइन जब आप पानी में डालते हो देन इट विल जस्ट सिंक डाउन टू द बॉटम, राइट. तो यहाँ पे कॉइन पूरा का पूरा वेट किसको दे रहा है? वुडन ब्लॉक को, राइट. तो वो कितना डिस्प्लेस कर रहा होगा वाटर, बताओ. वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा होगा यहाँ पे? mg कितना हो रहा होगा? v रो जी, अगर रो उसकी मैंने डेंसिटी मान ली, ठीक है. तो वो अपने बिल्कुल टोटल वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे, वो फ्लोट हो रहा है. लेकिन जैसे ही हम इसको हटाएंगे, यहाँ से नीचे गिर जाएगा ये, तब क्या होगा, वो उतना डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा, ठीक. तो उसके वॉल्यूम के बराबर जब वो डिस्प्लेस करेगा, तो ऑब्वियसली उसके वॉल्यूम के बराबर वाले का मास जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक. तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज वेरी लेस, राइट. तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, अब वो इतना वेट डिस्प्लेस कर रहा है. समझ आ रही है बात सबको? नहीं आ रही है? तो ऑब्वियसली इस वाली पोजीशन में वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है, और जब वो डूब रहा है तो उस वाली पोजीशन में वो कम पानी डिस्प्लेस कर रहा है. तो जब वो इस पे से हटेगा और डूब जाएगा, तो सही, जाहिर सी बात है कि ये जो ब्लॉक होगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा,
ठीक, क्योंकि उस पर लगने वाला वेट कम हो गया, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि लैम्डा कम होगा, राइट। लेकिन एच भी कम होगा, क्योंकि अभी जब ये डिस्प्लेस कर रहा है तो ये ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी हाइट क्या है, बड़ी हुई है। अभी ब्लॉक ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है, अब कम है। तो यही वाला केस है, सिंपल सा। तो ये कुछ बस बेसिकली कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर ये था कि दोनों चीज़ें घटेंगी, लैम्डा भी घटेगा और एच भी घटेगा। एक बार फिर से समझा दो सर, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो सारे लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में कॉइन वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, तो कॉइन का जितना भी वेट है वो सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है नीचे से, बॉयंट फोर्स, ठीक। हाँ ओके, बोर्ड डिक्रीज, समझ आ गई बात। हाँ वंस मोर आई एम टेलिंग वंस मोर, प्लीज़ गाइज लिसन एंड कंसंट्रेट हेयर। ये जो कॉइन है ये वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, और वुडन ब्लॉक पे जो अपना वेट अप्लाई कर रहा है, ठीक, वो सारा का सारा वेट का जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है वो क्या है, वो बॉयंट फोर्स है ना। बॉयंट फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर। तो इस केस में सारा का सारा इक्विवेलेंट फोर्स कहाँ से आ रहा है, बॉयंसी से। तो बॉयंसी से उसके बराबर फोर्स लाने के लिए ऑब्वियसली कॉइन से ज़्यादा वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस होगा, क्योंकि कॉइन कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता है, वो तो अपनी वॉल्यूम के बराबर कर सकता है ना। अगर कब, जब मैं कॉइन को इसमें छोड़ूंगा, और जब मैं कॉइन को इसमें छोड़ूंगा तो वो तैरेगा तो है नहीं, फ्लोट तो करेगा नहीं, डेफिनेट सी बात है, वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन इस केस में फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, वुडन ब्लॉक के ऊपर, तो जो वॉल्यूम है पानी का, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। ये बात तो समझ आती है ना, ये वाली बात तो सिंपल सी है। तो यही चीज़ तो आ रही है यहाँ से। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या है, एम जी अपॉन रो इंटू जी, ठीक है, समझ आ गई। शुभम पाटिल साहब, खुशी कंफ्यूज हो गई, तो फिर से सुन लो, कंफ्यूज मत हो यार, ये वाला बिल्कुल अच्छे से समझो। एम जी जो है वो क्या है, वी डिस्प्लेस इंटू रो इंटू जी। तो वी डिस्प्लेस कितना है, एम जी अपॉन रो जी, सिंपल सी बात है। लेकिन जब कॉइन को इसमें गिरा देंगे तो क्या ये कंडीशन होगी, नहीं होगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कंडीशन नहीं होगी। जब पानी में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, बाइंड फोर्स कितना होगा पानी में, वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इंटू रो इंटू जी, तो ये कंडीशन होगी। और ये है क्या, ये तो बॉयंट फोर्स है ना, एम जी तो नीचे लग रहा है जो उसको ले गया। लेकिन ये केस है जब वुडन ब्लॉक के ऊपर है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। तो फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम डिस्प्लेस देखो ना, कम है ना कॉइन का वॉल्यूम, अब ठीक है, अब समझ आ गया सबको। देखो ये तो तैरने लगा पानी में, स्विमिंग करने लगा शुभम। दीपक कुमार अब कंफ्यूज मत हो, मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अरे दीपक बाबू, समझ आ गया ना अब, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आर्किमिडीज भी पढ़ेंगे भाई साहब, सब पढ़ेंगे। आई एम कन्फ्यूज्ड, वाई यू आर कन्फ्यूज्ड यार, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ऐसा करना, कन्फ्यूज जो भी हो रहा है वो दोबारा से वीडियो में इस वाले पार्ट में आ जाना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो शुभम बाबू थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अबव द सर्फेस ऑफ द सी द हाइट ऑफ मर्करी इन अ बैरोमीटर इज 760 mm, इसका मतलब 180 mm, सिंपल। If at a place the height of mercury in a barometer is 700 mm, ठीक है, determine the pressure of air at that place। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, करो ट्राई या मैं कर दूं जल्दी से इसको, एक मिनट दूंगा मैं। क्लासरूम वाले टैब पे पता लग जाएगा कितने बजे होगी, क्योंकि अभी मुझे भी श्योर नहीं है, शायद 9:30 पे हो या 7 पे होगी, इन दोनों में से एक टाइमिंग पे होगी, तो क्लासरूम वाले टैब पे जाके देख लेना। करो ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो, मैं कर दूं ये, हाय यूजर, इंस्टासॉल्व यूजर 825452।
करो करो, 0.92 ATM आ गया मेरीन का. डिटरमिन द प्रेशर, ओके 0.92 ATM, हाँ कम तो होना चाहिए, 700 है हाइट. ATM में बताओ आंसर, ATM में. अच्छा दो मिनट, दिन में एक क्लास होता है क्या सर? हाँ हाँ होता है, मेरा क्लास होगा और मैथ्स का भी चलेगा. कल क्लासरूम वाले टैब में देख लेना कितने बजे आना है. जनरली इवनिंग में ही होती है, 7 बजे के बाद ही क्लास होगी, तो 9:30 से होगी. ठीक है, ओके. काफ़ी बच्चों को आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. तो सिंपल देखो, रो जी एच इज इक्वल टू पी, राइट. तो ये पी एटीएम है हमारा, पता है हमको 1 ATM, और हाइट दे रखी है 760. दूसरा वाला कह रहा है कि रो जी एच टू इज इक्वल टू पी, ये निकालो, डिवाइड कर दो दोनों को. तो h अपॉन h2, h कितना है 760 डिवाइडेड बाय 700 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय p. तो p की वैल्यू आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाय 76, तो ये जितनी भी आ रही है. हेलो सर, प्लीज से इन इंग्लिश. ओके मैम, क्लियर है गाइस? सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, एंड बोथ इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन द गेज प्रेशर, राइट. रो जी एच इक्वल टू पी ए टी एम, एंड रो जी एच टू इक्वल टू पी, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, ये देखो कुछ एप्लीकेशन है, ये तो बेसिकली प्रॉपर्टी तो नहीं है. तो इसमें क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाला है एक्चुअली, राइट. तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कैसे निकालते हो, अंडर रूट 2gh होती है, वैसे भी याद होनी चाहिए आपको, पढ़ चुके हो आप लोग सब. तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट 2gh होती है. इसमें ये बताया जा रहा है कि जितना ऊपर होगा होल जिससे पानी निकलेगा बाहर, राइट, तो उस वाले से ऑब्वियस है कि जब हाइट कम है तो अंडर रूट 2gh के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी भी कम होगी. ठीक है, तो रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी इसमें दिख रही है, रेंज कम होगी. तो जितना जितना बढ़ता जाएगा हाइट, उतनी उतनी रेंज बढ़ती जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि रेंज बढ़ती जाएगी नीचे आ गए तो ये बिल्कुल सीधे ही चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता. एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर रेंज मैक्सिमम होती है. ठीक है, कितना होता है वो किसी को याद है? खुशी 0.92 ATM, सबका आ गया आंसर पिछले वाले का. अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, लेवल देखा इस बार का पेपर का. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, हाँ वेरी गुड, याद है. देखो मेरी इनको, मैं तो कह रहा था आपको याद होना चाहिए ये. तो एच बाई टू पर रेंज मैक्सिमम होती है, बिल्कुल सही आंसर है ये मेरी इनका, परफेक्ट. तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाला केस है ये, एज यू नो गाइस. ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ ये क्वेश्चन करो, which vessel would have the highest pressure at the bottom? बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे होगा, ए बी सी डी. बोलो जनता, सबसे हाईएस्ट प्रेशर किस में होगा? बी 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 बी, सब बी, ए और बी, आई एम श्योर बी, सब बी, आई थिंक बी. ओके ए बी सर. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मृदमयी का आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट. ये अचानक से देखो निकल के आई है बीच में से आंसर देने, इतनी देर से इसने आंसर नहीं दिया है. मृदमयी मेहती का आंसर इज करेक्ट, सेम
सब में सेम होगा गधे बच्चों। देखो विच वेसल वुड हैव द हाईएस्ट प्रेशर एट द बॉटम, सबकी हाइट सेम है तो प्रेशर सबका क्या होगा, सेम प्रेशर। अभी इतनी बार तो लिख चुका मैं रो जी एच, तो प्रेशर रो जी एच, एच केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे, फिर सेम प्रेशर होगा। वेरी गुड जनम, समझ आई बात, ऑल ऑफ दी अबव, यही सोच रहे थे तो सही सोच रहे थे, यही सोच रहे थे तो सही सोच रहे थे, फिर बोला क्यों नहीं, बॉटम पे सबका प्रेशर क्या होगा, सेम। और ये लेवल की प्रॉब्लम भाई साहब इंजीनियरिंग में भी आ चुकी है, ठीक है, गेट में भी आ चुकी है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आईआईटी में या मेंस में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, ठीक है। तो डिपेंड ही नहीं करता है वेट पे, एच पे डिपेंड करता है। सोच तो यही रहे थे कि सेम होगा, ये देखो सेम प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी में है शायद, पॉइंट ए बी सी डी आर एट इक्वल हाइट इन अ वेसल शोन विच पॉइंट वुड एक्सपीरियंस हाईएस्ट प्रेशर। अब बताओ इसका आंसर, शुभम पाटिल साहब बताओ, अब सबका आंसर आएगा नहीं आएगा इसमें सही, अब बताओ ये लेकिन ट्यूब टेढ़ी है यहां पे, सोच लेना सारी बातें, ए बी सी डी नीचे है, ये है ए बी सी डी, बॉटम पे ही है, ये इस लाइन पे है, सेम लेवल पे है ए बी सी डी, दिख नहीं रहा होगा, ये लाइन है, ये अच्छा, तो ट्यूब टेढ़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो या यस, जो ट्यूब टेढ़ी है लास्ट वाली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्लाइंड जो है, बस नो या यस बता दो मुझे, नो नो नो, गुड, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, रो जी एच ही होने वाला है प्रेशर, ठीक है, मतलब अब आ गया आप लोगों को सब कुछ आ गया अब, चलो अच्छी बात है, बढ़िया, वेरी गुड, सेम होगा। ये देखो पास्कल लॉ आ गई, तो पास्कल की तो वो वाली लॉ भी थी हाइड्रोस्टैटिक वाली की, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ये पास्कल की दूसरी लॉ है, ठीक है, सर नॉर्मल फोर्स ऑन फ्लोर विल बी mg और mg इन कोन टाइप वेसल आई थिंक, हाँ हाँ, नॉर्मल फोर्स तो जो उस पर आ रहा है ना बॉटम से, वो तो वेट की वजह से आ रहा है, ठीक है जैनम, तो वेट के अकॉर्डिंग देखो नॉर्मल फोर्स, आप बिल्कुल सही हो, तो जिसमें वेट ज़्यादा है उसमें नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, तो जो इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया था वो एक्चुअल में इस पे भी बेस्ड था, उसमें वेट भी था, तो उसमें दो तीन थे, मतलब वेट का आपको रिलेशन लिखना था चारों में, और प्रेशर का रिलेशन लिखना था, ठीक है। नहीं नहीं जैनम इज़ करेक्ट, जी के पी, शी इज़ टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फोर्स ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो वेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अरे टाइम हो गया, घड़ी की सुई टन टन कर चुकी है, अब 10:30 बज गए हैं, तो पास्कल्स लॉ से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं गाइस, ये मैंने परसों ही पढ़ा था, ओके बढ़िया है, टाइम्स आउट हो गया अब, ठीक है, तो अब चलते हैं गाइस, फिर बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, सी यू टुमारो।